आज दादाजी का श्राद्ध है और शायद दादा को पोते के हाथ का खाना खाना था, इसलिए सारा खाना पोते से बनवाया। आलू गोभी की सब्जी बनाई है संदीप जी ने, रोटी बनाने लग रही हैं, ये खीर तैयार हो गई है संदीप जी की, अभी खाना परोस रहे हैं, पंडित जी आए हुए हैं घर पे, ये देखो ये खीर बनाई इतनी अच्छी, अभी ये रोटी बनाने में लगे हुए हैं, जल्दी से इनको ऑफिस भी जाना है, इस करके जल्दी जल्दी में सब काम एक साथ निमेड़ने में लगे हैं। साथ में युक्ति को भी शामिल कर लिया, ये कौवे की दो रोटियां निकाली है, उन पे खीर रख रही है, ये ज़्यादा जिद कर रही थी मम्मी मैं भी कुछ हेल्प करवाऊँ पापा की, पापा मुझे भी कोई हेल्प करनी है कोई काम दो, इसलिए इसके पापा ये गाय की दो रोटियां अलग से निकाल के रख रखी है। अब रह गई है पंडित की, पंडित जी अंदर वेट कर रहे हैं खाना खाने का, संदीप जी डाल के लेके जा रहे हैं, बर्तन ढूंढ रहे हैं किचन में क्या चीज़ कहाँ रखी है, ये सब बस लेडीज को ही पता होती है। ये देखो ये पंडित के पास खाना ले आई हैं, पंडित जी ने आशीर्वाद दे दिया है, पंडित जी भी खाना खाना स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी विधि से मंत्र जाप करके गाय की रोटी निकालेंगे। संदीप जी पंडित की सेवा में लगे हुए हैं, पंडित जी की सेवा में कोई कमी ना रह जाए इसलिए अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं, गर्मा गर्म रोटियां साथ साथ में बना बना कर पंडित जी को देने जा रहे हैं। पंडित जी को संदीप जी का खाना बहुत पसंद आया, बहुत अच्छे से स्वादिष्ट खाना बनाया हुआ था संदीप जी ने, इसलिए आशीर्वाद दो बार दे दिया। अभी ये देने जा रहे हैं गाय की रोटी और बोल रहे हैं साथ में मेरे को जल्दी से ऑफिस के लिए टिफिन पैक करो, लेट हो जाएंगे नहीं तो। अभी गाय की रोटी देकर आएंगे, पंडित जी ने अपना खाना फिनिश कर दिया है, अब ये दादा के नाम पे पंडित जी को कुछ उपहार दे रहे हैं श्रद्धा से, अपनी श्रद्धा से। पंडित जी का खाना हो गया फिनिश।